बुलेटिन में अगली खबर ग्वालियर जिले से है, जहां एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा है। संघ के 11 सदस्यों वाले दल ने पत्र सौंपकर सरकार से अपनी मांगे को पूरा करने की बात कही है। बता दें कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने मिलने एनएचएम संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर एक पत्र देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटकर आउटसोर्स कर्मचारी को विभाग में मौजूद रिक्त पदों पर नियमित किए जाने की मांग की। डिप्टी सीएम को पत्र सौंपने के साथ ही सरकार से पहले अनुरोध किया गया है कि वह उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। माननीय डिप्टी सीएम ने काफी लंबे समय से हमारी पुरानी मांग है, इसी को लेकर डिप्टी सीएम से हमने अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। महापंचायत में महापंचायत बुला के, लेकिन आज वो महापंचायत में जो घोषणा दी गई थी उस पर सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया। दूसरी हमारी जो मांग थी कि जो अभी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया जारी की गई थी, उसमें हमारी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM द्वारा परीक्षा पास करके, उनको परीक्षा पास करने के बाद मेरिट सूची में नाम शामिल होने के बाद उनको अपात्र कर दिया गया। आज वो कहीं भी नहीं रही, क्योंकि पहले ही हम सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारे संविदा कर्मचारियों को परिश्रम के आधार पर नियमित किया जाए। क्या चेतावनी दी है आज सरकार से? हमने चेतावनी दी है कि हम काफी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार हमें लगातार आश्वासन दे रही है। निश्चित ही सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है, कोई लिखित में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो निश्चित ही हम अब की बार विधानसभा के बाद हम लोकसभा चुनाव में भी सोचने को मजबूर होंगे।